सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। युवाओं के जोश और सहयोग से भाजपा मिशन 65 को पूरा करेगी। झारखंड में आधिकारिक तौर पर चुनाव का बिगुल तो नहीं फूका गया है, लेकिन भाजपा चुनावी मोड़ में आ गई है। चुनाव की तैयारी के तहत डोमचांच के इंटर कॉलेज परिसर में नव मतदाता युवा सम्मेलन का आयोजन कर नए वोटरों को भाजपा एक पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। बहरहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले नव मतदाता युवा सम्मेलन में बिहार के मंत्री सह विधानसभा चुनाव प्रभारी नंद किशोर यादव सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजयुम के जिला अध्यक्ष राजेश सिंह ने किया। सूबे के शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने सड़क मार्ग से पहुंचने वाले बिहार सरकार के मंत्री व चुनाव सह प्रभारी नंद किशोर यादव का स्वागत गुमो में जोरदार ढंग से किया। स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री ने नंद किशोर यादव को पुष्पगुच्छ भेंट किया। साथ ही मंत्री नंद किशोर यादव के वाहन से डोमचांच पहुंची। रास्ते में विभिन्न चौक चौराहों पर चुनाव सह प्रभारी का भव्य स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। नव मतदाता सम्मेलन में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड सह प्रभारी नंद किशोर यादव, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह समेत अतिथियों का भव्य स्वागत मंच पर 51 किलो का माला पहनाकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। डोमचांच के इंटर कॉलेज प्रांगण में भाजयुमो द्वारा आयोजित नव मतदाता युवा सम्मेलन में बरकट्ठा विधायक जानकी यादव, जीप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता समेत कई भाजपा के दिग्गज नेता मंचासीन थे। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि जो पहली बार चुनाव में मतदान करेंगे वे ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो क्षेत्र का विकास और राष्ट्र का निर्माण करने वाले समर्पित होंगे। नव मतदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि का चुनाव सोच समझकर राष्ट्र निर्माण के लिए करें। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान विकास योजनाओं का चर्चा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से सालों बाद कमल का फूल कोडरमा में खिला। 5 साल के कार्यकाल में सतगावा जैसे इलाके में डिग्री कॉलेज, डोमचांच में महिला डिग्री कॉलेज, मरकच्चो में डिग्री कॉलेज, बेकोबार में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, डोमचांच में शुद्ध पेयजल के लिए पानी टंकी निर्माण समेत सदर अस्पताल कोडरमा में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए 5 सालों में कार्य किया है। कोडरमा में शिक्षा क्षेत्र में कर्मा मेडिकल कॉलेज, कोडरमा इंजीनियरिंग कॉलेज समेत शिक्षण संस्थानों के खुलने से कोडरमा जिला शिक्षा हब के रास्ते में अपनी नई राह तय कर रही है। मंत्री नीरा यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे कहा कि 2014 में लोगों के पास वोट मांगने जब गए थे तो लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला। अब जब 2019 में चुनाव के दौरान जनता के पास जाएंगे तो उस आशीर्वाद की बदौलत एक एक दिन जनता के लिए समर्पित होकर क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है। भाजपा सरकार 130 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है। यह बातें बिहार के मंत्री और झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी नंद किशोर यादव ने कही। डोमचांच में पुराना रिश्ता है उनका, यह भी कहा। यहाँ पहले भी आ चुके हैं और दोबारा यहाँ आकर जवानी के दिन याद आ गए। उन्होंने कहा कि डोमचांच शहीदों की भूमि है, लेकिन शहीदों ने अपनी जान क्यों दी इस पर कभी मंथन नहीं किया गया। क्या देश के लिए शहीद इसलिए हुए थे कि पीएम, सीएम, सांसद, विधायक बनना चाहते थे, लेकिन आज़ादी के समय जिन्होंने भी देश की मिट्टी के लिए कुर्बानी दी उनका मकसद भारत माता के पैरों में बंधे जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए थे। उन्होंने कहा कि देश के किसी कोने में मोदी जी की सभा में मोदी मोदी का नारा लगना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में और मोदी मोदी का नारा गूंज रहा है तो ये देश के लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भारत के मान सम्मान विदेशों में बढ़ाया है। उन्हें किसी को सांसद विधायक बनाने की चिंता नहीं, उनकी चिंता देश के 130 करोड़ जनता के लिए है। प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी है इसलिए आज़ादी के 70 सालों बाद गरीबी के लिए कार्य कर रहे हैं।
70 साल की आजादी में गरीबी हटाओ का केवल नारा लगाकर लोगों का वोट लिया गया, लेकिन मोदी सरकार ने 130 करोड़ जनता के लिए काम कर देश से गरीबी समाप्त करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि देश के नौजवान 2014 से लेकर अब तक विकास राष्ट्रवाद के नारों के साथ भाजपा को मजबूत बनाने में जुड़े हैं। चुनाव में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी युवा वोटरों का साथ भाजपा को ही मिलेगा। उन्होंने भाजपा में बढ़ते उम्मीदवारों के दावेदारी पर कहा कि भाजपा में सक्षम दावेदार की कतार बेहतर संकेत है, क्योंकि ये संकेत देता है कि भाजपा का टिकट जिसे मिलेगा उसकी जीत सुनिश्चित है। कार्यकर्ता जानते हैं कि जिसके हाथों में कमल का फूल का टिकट मिलेगा उसे जिताने में जीतोड़ मेहनत करेंगे। मुख्य अतिथि ने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार के कार्य और राष्ट्रवाद का पाठ भी पढ़ाया। और नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श नौजवानों को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश चुनाव में 2014 में भी और 2019 में। मुझे बड़ा साफ दिख रहा है देश का नौजवान देश की रक्षा के सवाल पर देश की सुरक्षा के सवाल पर और विकास के सवाल पूरी तरह से भाजपा के साथ है। बहुत एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा में ही भाजपा के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार दिख रहे हैं, सिर्फ कोडरमा ही नहीं और जगहों पर सोशल मीडिया हो चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो उस पर भाजपा के ही सबसे ज़्यादा उम्मीदवार दिख रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती प्रश्न है। बहुत सारी पार्टी को तो उम्मीदवार नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर भाजपा का टिकट मिल गया तो चुनाव जीतना आसान है, इसलिए अगर हर विधानसभा में एक से अधिक सक्षम उम्मीदवार हमारे पास है ये हमारी पार्टी की बड़ी हम इससे चिंतित नहीं है। हमें पूरा भरोसा कि भाजपा का कार्यकर्ता जल्द स्वयं लड़ना चाहता होगा, लेकिन अब तक जिसके हाथ में कमल का फूल होगा सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे। आज जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ टिप्स आपने दिया है? देखिए फर्स्ट टाइम वोटर को तो मैंने नहीं कहा है, कैसा भारत चाहता है हम सब लोग देश के